हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। आज मैं बना रही हूँ चने दाल की रेसिपी। उसके लिए मैंने 1 कप चना दाल और 1/4 कप मूंग की दाल ली है। इसे मैंने 3-4 बार धो लिया है और 30 मिनट के लिए भिंगो के छोड़ दिया था। अब उसके बाद मैं दाल को कुकर में डाल दे रही हूँ और हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। 2 टुकड़ों में टमाटर को मैंने काटा है। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है, जो मोटे मोटे टुकड़े में कटे हुए हैं, और 7 से 8 लहसुन की कलियां हैं। 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक डाला है मैंने। 1 तेज़पत्ता डाला है और 1 कप पानी डाला है मैंने। 1/2 चम्मच घी डाल दिया है। घी डालने से हमारे दाल जो ढक्कन में लग जाते हैं, कुकर के ढक्कन में, वो नहीं लगेंगे। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 3-4 सीटी लगाकर पका लेंगे। देखिए, दाल हमारे पक गए हैं। इसमें से मैं तेज़पत्ता हटा दे रही हूँ और टमाटर का जो छिलका है उसे भी निकाल देंगे, नहीं तो ये खाते वक्त मुँह में आएंगे। देखिए, दाल हमारे अच्छे से पक गई है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, दाल अच्छा पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी। 1 कप पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिला देंगे और गैस का फ्लेम मैं फिर से ऑन कर दे रही हूँ। इसे हम बॉईल आने तक फिर से पकाएंगे। पूरा 1 कप पानी डाला है मैंने दाल में। देखिए, इसमें 1 बॉईल आ गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब पैन में मैंने घी डाला है, ये 2 बड़े चम्मच घी है। थोड़ा सा हींग डाला है, 1 चम्मच खड़ा जीरा है, और ये छोटा प्याज है, और 4-5 लहसुन की कलियां छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाली है मैंने। इसे हम थोड़ा भून लेंगे। ये 2 हरी मिर्च है जो बीच से काट के मैंने डाला है। 1 चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाला है। कसूरी मेथी कम ही डालें। इन सभी चीज़ों को डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब हम इसे दाल में तड़का लगा देंगे। देखिए, दाल का हमारा कितना अच्छा कलर आया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से धनिया के पत्ती। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू।